बच्चा कौन से फ्लैट में रहता है और आखिरी बार वो इंस्पेक्टर साहब एक मिनट एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, अब असल में किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बच्चा तो मिल गया। हाँ, गोगी पुत्र मिल गया। मिल गया? हाँ। कहाँ से मिला? इनफैक्ट यही सोसाइटी में मिल गया। हाँ। अच्छा, सोसाइटी से खो गया और सोसाइटी में ही मिल गया। बिल्कुल करेक्ट, यही मिल गया। और आप सबने मिलकर पुलिस स्टेशन सर पे उठा लिया। और खास करके वो कहाँ है नंगे पैर वाला? हाँ, वो नंगे पैर वाला किधर है जो पुलिस स्टेशन में आके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा था? सर इधर आपका भाई से मांगा लगते। अरे बड़े सवाल पे सवाल पूछ रहा था। आइए इंस्पेक्टर साहब, कब आए आप? भारत स्वतंत्र होके कितना साल हो गया वो हमको बता रहा था। 62। कानून को कानून सिखाता है, सरकार का समय बर्बाद करता है। चल तुझे अंदर ले चलता हूँ, चल। एक मिनट पुलिस बॉय, आप टप्पू के पापा को अंदर कर रहे हैं तो साथ में मुझे भी अंदर करना पड़ेगा। नहीं मम्मी। अरे दया पापी, अरे आपको क्यों ले जाऊँ? क्योंकि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ और शादी के साथ फिर लेते वक्त अग्नि की साक्षी में हमने कसम खाई थी कि हम हर पल साथ में रहेंगे। चलो पुलिस भाई, चलो टप्पू के पापा। एक मिनट दया भाभी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप किस धारा के तहत इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं? हाँ ये बताइए। अरे मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ये समझाना चाहता हूँ, आप सबको भी ये समझाना चाहता हूँ कि पुलिस अपना फर्ज निभाती है, लेकिन आजाद भारत के नागरिक की हैसियत से आप लोगों का भी कोई फर्ज है। बच्चा खो गया, आप सब दौड़ कर आ गए पुलिस स्टेशन पर, बच्चा मिल गया, इस बाबत की कोई खबर करने आया? सही बात है। नहीं, हम लोग फोन करने वाले थे कि इतने में आप आ गए। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अभी बता रहे आपको बच्चा मिल गया। इंस्पेक्टर साहब, असल में इस चीज के लिए मैं आपसे सही में बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बच्चा मिल गया इसकी खुशी में हम सब लोग इतने मशगूल हो गए कि कुछ याद ही नहीं रहा। हम करने ही वाले थे फोन, लेकिन देखिए इसके लिए माफ कर दीजिए और आपको जो परेशानी हुई उसके लिए वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। चलो बच्चा मिल गया, इस बात की खुशी है। तो वही तेरा नाम गोगी है ना, तू टीवी में आया था ना? हाँ वही वही। हम तुझे सुबह से टीवी पे देख रहे। चलो हम चलते हैं। चलो बाय 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 गोगी। हेलो, हाँ जी जी सर, ग्रेट सर, ठीक है वो मेरे सामने ही, मैं उसे अभी बता देती हूँ। ठीक है सर, बाय सर। सोनी भाई, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। क्या 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 बताइए बताइए। वो ये कि हमारे जिन डायरेक्टर ने चौकड़े की आर्ट बनाई थी वो एक नई आर्ट बनाने जा रहे हैं और उसके लिए उनको एक सरदार बच्चा चाहिए। जानते हैं उन्होंने उसके लिए किसको सिलेक्ट किया है? हमारे गोगी को। इस खुशी के मौके पर आप सब लोग हमारे घर पर आइए, मैं आप सबको गर्मा गर्म पूरी, ढोकला और श्रीखंड खिलाती हूँ। क्योंकि आज मेरी तरफ से पंजाबी ढाबे पे जाके मक्के की रोटी, सरसों का साग और साथ में लस्सी। क्या बात है! और चकते बट्टे, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले।
मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा जेठालाल, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, टप्पू ने गलती की है और इतनी बड़ी गलती की है जो माफी के काबिल नहीं है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि कई बार हमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थैंक यू सोचना चाहिए कि जीवन में बच्चे क्या सोचते हैं। 8 साल का एक मासूम बच्चा अगर उसे ये धमकी दे दे कि भाई मैं फेमस नहीं हुआ तो घर छोड़ के भाग जाऊंगा, माना कि उसने बड़ों को नहीं बताया, लेकिन उसकी उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, बच्चा कैसे बड़ों से ये बात करेगा कि एक छोटा बच्चा घर से भागने की धमकी दे रहा है। सोचो कि टप्पू अभी बच्चा है। नहीं माना, माना अंजलि बाबे की टप्पू बच्चा है, लेकिन उस बच्चे की हरकत की वजह से आज सारे बड़े परेशान हो गए कि नहीं, और ये सब ये इसकी वजह से। किसकी वजह से? ए, टीवी। उसको टीवी पे देख कर ही तो आइडिया है ना गोगी को गुम करने का। मैं तो कहता हूँ ये सब टीवी बंद कर देना चाहिए। फिर तुम क्या बेचोगे? ये मत भूलो कि तुम्हारे टीवी की दुकान है ना, मेरा मतलब है सब न्यूज चैनल बंद कर देना चाहिए। न्यूज चैनल वाले खामा का हिंग का पहाड़ बना देते। अरे हिंग का पहाड़ नहीं, राई, राई का पहाड़। अरे भाई वो राय हिंग सब वो साथ में ही रहते हैं ना। ये टीवी वाले ऐसे बड़ा चढ़ाकर न्यूज दिखाते हैं जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों के मन पर होता है। अच्छे काम करने वालों से ज्यादा कंट्रोवर्शियल और ओछे काम करने वालों को फेमस बना देते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे अंजलि बाबू। भाई आप हर चीज के नुकसान ही क्यों देखते हैं? आपने ये तो कह दिया कि टीवी चैनल्स ये करते हैं, न्यूज चैनल्स ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, मसाला परोसते हैं, सब ठीक माना, लेकिन इस देश के अंदर जो हम खून पसीने की कमाई करके जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स का उपयोग हमारे संसद में हमारे नेता कैसे करते हैं? अगर ये न्यूज चैनल वाले न दिखाए तो बॉम्बे में आज फयान आने वाला था, अगर ये टीवी न्यूज चैनल वाले लोगों को जागरूक नहीं करते तो क्या लोग सुरक्षित स्थानों पे जाते? मैं कमिन मेहता साहब। हाँ हाँ रीटा आओ, आओ रीटा बैठो बैठो जी। थैंक्स फॉर कमिंग रीटा। जेठालाल रीटा को थैंक यू कहो। थैंक यू रीटा। क्यों थैंक यू? मैं रीटा का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि मान लो गोगी के मिल जाने के बाद रीटा ये सूचना सारे देश को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दे देती कि भाई ये गोगी घूम नहीं हुआ था, ये तो श्रीमान जेठालाल गड़ा के सुपुत्र टीपेंद्र गड़ा और उनके दोस्तों ने मिलके इस बच्चे के अपहरण की कहानी रची थी, फिर क्या हालत होती तुम्हारी, टप्पू की और सारे परिवार की और सारी सोसाइटी की। सब जगह बदनामी से बच गए रीटा की जिम्मेदारी की वजह से। और अगर ये न्यूज चल जाती तो देश भर के बच्चे इससे क्या प्रेरणा लेते, इंस्पायर होके खुद को ही गायब करने की स्कीम कर लेते ताकि फेमस हो जाए। हाँ। नहीं नहीं बराबर बता सर, बिल्कुल बराबर बोल रहे। थैंक यू रीटा, ये तुमने नहीं बताया तो सच्ची में बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू रीटा, थैंक यू। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, ये तो मेरा फर्ज था, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदार रिपोर्टर होने के नाते मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे दर्शकों को क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। भाई जेठालाल अब तो तुम्हें कोई गिलाया शिकवा नहीं है? नहीं मतलब सर, अभी भी मुझे टप्पू से एक शिकायत तो है ना, आपने उसकी वो साइकोलॉजी समझ के उसको शायद माफ कर दिया, लेकिन उसके बाप होने के नाते मैं उसकी ना समझी हरगिज माफ नहीं कर सकता। पुत्र तूने तो आज अपनी पापा की गड्डी के ना सारे टायर ही पंचर कर दिए। अरे पापा गुम हुआ तभी तो फेमस हुआ, देखो मुझे एक ऐड भी मिल गई। और पुत्र तुझे ये जो ऐड मिली है ना, ये वाहेगुरु जी की कृपा से मिली और तेरी मेहनत से मिली है, पर फेमस होने के लिए जो तूने हरकत किया ना बहुत गलत हरकत किया है। हाँ। मालूम है तेरे मम्मी पापा का क्या हाल हो गया था, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे हम लोग। गोगी तुम्हारी बात समझ, तू आज मुझे ये प्रॉमिस कर कि आज के बाद कभी भी तू ऐसी उत्पटांग हटकर नहीं करेगा। ओए मम्मी पापा ने भी मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे सनी बाजी की तरह हीरे बनाएंगे। ओ कड़ाई। ओ पुत्र मैंने तेरे से प्रॉमिस किया था और मैं निभाऊंगा भी, और पहले वड्डा शड्डा हो जा सनी बाजी की तरह और 2.5 किलो के डोले छोले बना ले, और फिर देख कैसे मैं तेरे लिए 2.5 घंटे की एक सुपर हिट फिल्म बनाता हूँ। क्या रोशन प्रॉमिस पापा। गोगी तू पिल्ले मारी बात समझ समझ, अपने पापा से प्रॉमिस लेने से पहले तू मुझे एक प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू गलती से भी ऐसी गलत बात नहीं करेगा। चल प्रॉमिस कर। ओके मम्मी प्रॉमिस। मम्मी 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 प्लीज तू मुझसे बात करो ना मम्मी प्लीज। पापा अब मम्मी को बोलो ना मुझसे बात करे प्लीज पापा। अरे पापा आप भी मुझसे बात नहीं कर रहे हो। दादाजी दादाजी अब मम्मी पापा को बोले ना मुझसे बात करे प्लीज। देख टपुड़ा अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी हर शरारत में तेरा साथ दूंगा तो तू गलत सोच रहा है। लेकिन दादाजी आपने हमें नीचे सजा दे दी ना। हाँ लेकिन तू अपने मम्मी पापा का भी गुनहगार है।
तेरी वजह से उनको सोसाइटी वालों का कितना सुनना पड़ा। मम्मी, पापा, पापा, मम्मी, टप्पू ने गलती की, इसलिए टप्पू आप दोनों से माफी मांगता है। सॉरी, सॉरी। आप लोगों को मुझे जो भी सजा देने दीजिए, लेकिन आप लोग मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज, प्लीज। मैंने जो कुछ भी किया था, दोस्ती निभाने के लिए किया था। ओहो, तो तू अभी इतना बड़ा हो गया कि तुझे दोस्ती निभानी पड़ती है? आप चड्डी और दोस्ती किसे निभाने है? और 3 फुट का गोकी से? जेठा जी बाबूजी। टप्पू इधर आ, बैठ बेटा। देख टप्पू, मैंने तुझे महाभारत के कर्ण की कहानी सुनाई थी ना, कर्ण कवच कुंडल से रक्षित था, फिर भी वो हार गया था। क्यों? क्योंकि उसने कौरवों का साथ दिया था। टप्पू, तूने गोगी को समझाया और समझाने पर भी गोगी नहीं माना, तो तुम्हें बड़ों को बोलना चाहिए था। उसके बदले तूने गोगी का ही साथ दिया। अरे बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं भी शरारत करता था, बाबूजी की डांट भी खाई है। खाई है क्या? आज भी खाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी हरकत नहीं की। क्यों बाबूजी? नहीं तो मतलब ऐसी गलती नहीं की। हाँ पापा, मुझे पता मैंने गलती की, लेकिन पापा आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पापा अब प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज पापा, प्लीज। बात क्या है? क्या? अरे आज बात क्या है? आज तो तू पेड़ के पत्तों पर गिरे ओस की बूंदों की तरह तरोताजा लग रही है। ओहो, सुबह सुबह कवि स्वर, क्या बात क्या है टप्पू के पापे स्वर? बात कुछ ऐसी है, गुल मोहर जैसी तू लग रही हो। बस बस, चलिए अब जल्दी से नहा लीजिए, दुकान नहीं जाना है। अरे दुकान तो रोज जाते हैं, आज जरा बैठ इधर। अरे मैं क्या बैठूं, बैठ नहीं सकती मैं। अरे बहुत सारा काम बाकी है और आप भी मत बैठिए, चलिए ना। अरे नहीं नहीं, चलिए अब उठ जाइए। अरे उठिए ना, ना। नहीं उठेंगे ना। अरे दया उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ बा। अरे दया। बोलो कवि सर। अरे बाथरूम का गीजर क्यों नहीं चल रहा है? अरे हाँ, वो तो खराब हो गया है। क्यों? कुछ बोला नहीं उसने। तभी गर्म पानी नहीं मिलेगा। मैं क्या कहती हूँ, आज आप जरा ठंडे पानी से नहा लीजिए ना। दया तुझे पता है ना, मैं गर्मी में भी गर्म पानी से नहाता हूँ। अच्छा मैं काम करती हूँ, गैस पर गर्म पानी करके लाती हूँ। जा जा जा, जल्दी जा, जल्दी जा।
हाँ बोलो नटू काका। हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। अरे हाँ बोलो। अरे सेठ जी, मल्होत्रा साहब जो अपनी नई होटल खोलने वाले हैं ना, उसके लिए 50 LCD का ऑर्डर देने उनका मैनेजर जॉनी भाई ठीक 11 बजे अपनी दुकान पे आने वाले हैं। अच्छा, तो आप 11 बजे से पहले पहुंच जाना, देर मत करना। सॉरी सेठ जी, मैं कल आपको बताना भूल गया। नटो काका, आजकल आप बहुत कुछ बोल रहे, किसी दिन अपना नाम मत भूल जाना। अरे सेठ जी कैसी बात करते हैं, मैं अपना नाम कैसे भूल सकता हूँ। नटोरलाल प्रभात शंकर उंडाई वाला, जिला मेहसाणा, स्टेशन वडनगर, उत्तर गुजरात। ओके थैंक यू। टप्पू के पापा, गैस खत्म हो गया है। हाँ तो दूसरा सिलेंडर है ना? है नहीं, था। मतलब भीड़े बहन के घर पर सिलेंडर खत्म हो गया था ना, तो मैंने हमारा दूसरा सिलेंडर था वो उनको वापरने के लिए दिया। अब कल ही उनके घर पर दूसरा सिलेंडर आ गया है, तो आप जरा उनके घर पर जाकर अपना सिलेंडर ले आइए। अरे सुबह सुबह तो कहाँ कसरत करा रही है दया? तो फिर ठंडे पानी से नहाइए। वैसे मेरी माँ कहती है कि ठंडे पानी से नहाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पूरे दिन ताजगी रहती है और जोड़ों में कभी दर्द नहीं होता। दया मुझे जोड़ों का दर्द चलेगा लेकिन गर्म पानी के बिना नहीं चलेगा। वैसे मेरी माँ एक और चीज भी कहती है कि तीन चीजों को जीवन में अपना लो तो जीवन सुखी 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 हो जाता है। पता है आपको वो तीन चीज कौन सी है? नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। चाल से, भाव से, नफाव से। चाल से, भाव से, नफाव से। हाँ, क्या मतलब है? मैं बताती हूँ। चाल से मतलब आज नहाने में गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी है, तो कोई बात नहीं, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। मेरे चाल से बराबर। अब भाव से मतलब आज नाश्ते में फाफड़ा जलेबी नहीं है, खाखरा है, तो कोई बात नहीं, मैं खाखरा खा लूंगा। मैंने भाव से। और फाव से मतलब आज सोने के लिए पलंग नहीं है, नीचे जमीन पर चटाई है, तो कोई बात नहीं, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। मैंने फाव से। तो ये हुआ चाल से, भाव से, फाव से, समझे? विचार तो बहुत ही बढ़िया, उम्दा, उच्च कोटि के है। थैंक यू। इन विचारों को मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा, लेकिन जब मैं 60 साल का होऊंगा तब। अभी फिलहाल आप मुझे बाथरूम से एक बाल्टी लाकर देंगे तो मने गम से। अरे लेकिन। अरे लेकिन क्या, एक बाल्टी लाकर दे, मैं मेहता साहब के घर से गर्म पानी लेकर आता हूँ। अरे जाना पाए हो, नटू काका का फोन आ गया, दुकान जाना मुझे जल्दी। चल चल चल, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना कुछ। चल 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 जल्दी कर भाई। किसी को भलाई के लिए क्या, तो फिर भी कोई मानता ना, भलाई का जुमा नहीं है, मैं तो कुछ। चल लाना भाई जल्दी। अरे मेहता साहब का घर इस तरफ है। चप्पल पहनने आया हूँ। अब उस दिन भीड़े भाई ने फेंक दिया था। ये लो, दे मेरा चप्पल। जेठाल, अरे जेठालाल, अरे तो बाद में टप्पू गया था ना ढूंढने? हाँ लेकिन नहीं मिला। तो बताना तो चाहिए था। अरे हाँ, टप्पू के पापा, टप्पू को आपकी चप्पल नहीं मिला, बता दिया बस। थैंक यू। अभी क्या पहन के जाऊं? Thank you.
भाई मैंने किसी के चप्पल नहीं चुराए कि मुझे दबे पांव कहीं जाना पड़े। मैं जानता हूँ आपको बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि जेठालाल ने चंपक चाचा के चप्पल जो चुरा लिए, और आप जानते हैं चंपक चाचा के चप्पल चुराने का मतलब किसी सोए हुए शेर की नाक से बाल खींच लेना। अब जेठालाल निकल पड़े हैं सोसाइटी में, हाथ में बाल्टी है, पाँव में चंपक चाचा के चप्पल है। अब देखो कि क्या होने वाला है। वैसे इन छोटी छोटी चीजों का मजा ही जिंदगी में कुछ और। आपने कभी ऐसे मजे उठाए, मतलब कि ठंड में ठंडे पानी से नहाने का मजा, कभी किसी का चप्पल चुराने का मजा, कभी पूरे वीक सच बोलने का मजा, कभी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाने का मजा, कभी बिना बात ही हंसने का मजा। असल में हम तो ऐसे मजे रोज उठाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और ये वादा भी करते हैं कि ये मजे सारे देश को सौंपेंगे, सारे देश को बांटेंगे। अब अगला नया मजा क्या है, इसके लिए तैयार रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए। अंजलि आसमान पे पहुंच गया, आसमान पे। कौन? अरे सोने का भाव 17,695 रुपए तोला सोना। देखा देखा, कहा था ना मैंने कि एक अच्छा सा सोने का नेकलेस मुझे दिला दो, अब बढ़ गया ना भाव। अरे कहाँ से ला के दूं भाई, सोने की हालत तो प्याज जैसी हो गई है। हैं? भाई जब हम प्याज काटते हैं तो कैसे आंख से टप 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 आंसू गिरते हैं, वैसे ही सोने का भाव सुन लो रोना शुरू। इस सोने ने तो हम सबका सोना मुहाल कर दिया, नींदें उड़ा दी है। कल मुझे मिला एक दोस्त, बोला मेहता साहब क्या हाल है? मैंने कहा बस दाल रोटी चल रही है। बोले धीरे बोलो, दाल रोटी का नाम लिया तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, 100 रुपए किलो दाल है, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। ये हाल है भाई महंगाई का, कभी भिंडी के भाव ज्यादा, कभी टिंडी के भाव ज्यादा, महंगाई ने तो मार रखा है। वैसे आपकी बात तो सच है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। बेचारा गरीब आदमी क्या करे, अब देखो ना कितना गरीब है ये। हाँ, एक गरीब नेता छापा पड़ा, सिर्फ 100 करोड़ रुपए मिले गरीब के घर से। हैं? एक मिनट, क्या कहा? जिस नेता के घर से आपको 100 करोड़ मिले वो नेता गरीब? और क्या, अरे 100 करोड़, शर्म आनी चाहिए भाई। अरे 1,000-2,000 करोड़ मिले तो लगे के हिंदुस्तान का नेता, 100 करोड़। हाँ, नेता गरीब पे कलंक है कलंक। हे भगवान, क्या होगा इस देश का। खैर ये सब बातें छोड़िए, पहले आप अपना नाश्ता कर लीजिए। कहाँ नाश्ता? ये रहा फ्रेश कट सैलड। अंजलि कम से कम इस पे कुछ मसाला तो डाल दिया होता। आपको पता है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिना कुछ डाले नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए ताकि उसके सारे गुण हमें मिले। श्रीमती जी मुझे गुण नहीं, स्वाद चाहिए, स्वाद है ना, कुदरती स्वाद, खा लीजिए ना। ये क्या है? ये सिल्वर क्लब जो खुला है ना नया, उसका ब्रोशर है जिसमें स्विमिंग पूल है, किटी पार्टी हॉल है, जिमनाशियम है, केरला मसाज है। एक मिनट अंजलि, क्या चाहती हो तुम? अब मैं जिम में जाऊं, एक्सरसाइज करूं, स्विमिंग करूं? अरे यार तुम्हारे करेले के जूस से तो वैसे ही दुखी था, अब ये केरला का मसाज। और अरे भाई मेंटेन करने के लिए सब खा रहा हूं ना, सैलेड और ये सब। अरे लेकिन क्या अंजलि, लेखक के हाथ में कलम अच्छी लगती है, एक्सरसाइज के डंबल्स नहीं। अच्छा बाबा मत ज्वाइन करना जिम, ठीक है? अरे बाप रे, मुझे योगा क्लास के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नमस्ते। पर आप ये फ्रेश लिखा सैलेड जरूर खा लेना, ठीक है? क्या खा? ठीक है, सैलेड। हे भगवान, कितनी महंगाई बढ़ा रहे हो, लेकिन मेरी प्रार्थना पे कुछ चीजों की महंगाई और बढ़ा दो ना प्लीज। ये टमाटर ककड़ी इन सबको इतना महंगा कर दो, सोने से भी ज्यादा, कि अंजलि ये खरीदना बंद करे और मुझे मुक्ति मिले। मेहता साहब, आदाब। आओ अब्दुल मियां आओ। क्या ले आए? यही पतला खाकरा, पतला चिवड़ा, पतला बिस्किट। पतला बिस्किट, पतला चिवड़ा, ये क्या? हाँ वो आपके भाषा में क्या बोलते हैं, वो डाइट चिवड़ा, डाइट खाकरा, डाइट बिस्कुट। या अब्दुल तू भी मजाक करने लगा है यार, अंजलि ने फिर मंगा लिया ना सब कुछ। इस अंजलि का बस चले ना तो मुझे हवा भी डाइट खिलाए, कहे डाइट ऑक्सीजन से सांस लो। ए अब्दुल एक काम कर रहा है, बाहर से शंभू फरसान वाले के यहाँ से बस अभी गर्मा गर्म बन रहा होगा, एक प्लेट कांदा भजिया, थोड़ी मस्त तली हुई हरी मिर्च, एक प्लेट मिक्स भजिया, और कुछ भी चटनी, पपाया पपाया की जिसकी भी चटनी मिले लेके आना यार फटाफट। मैं तो सब मैं जरूर आता, लेकिन क्या है ना काम बहुत है, एक दो डिलीवरी भी करना है, सॉरी मैं नहीं ला सकता हूँ। समझ गया अब्दुल, समझ गया काय को लाएगा तू। अंजलि ने राखी बांधी ना तेरे को, बहन है भाई, बहन को खुश रखेगा, जीजा जी किस तकलीफ में ये थोड़ी देखेगा। हाँ भाई अब्दुल मत ला, ठीक है। क्या मेहता साहब आप तो नाराज हो गए, मैं अभी गया और अभी लेकर आया। अरे वाह अब्दुल वाह, जल्दी ला यार। ओहो
जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, सुबह सुबह किस तरफ? जरा हाथी भाई के घर पे। ले क्यों? जरा दवाई लेने। अरे बाप रे, क्या हो गया आपको? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या है ना यार को जरा खांसी और जुखाम हो गया तो इसलिए। फिर तो बबीता जी हो सके उतना यार भाई से दूर ही रहना। क्यों? क्योंकि ये बहुत चेपी होता है। चेपी मतलब ये सर्दी जुकाम जिसको होता है ना उसके बाजू वाले को भी एकदम तुरंत नजर चिपक जाता है। Okay, you mean contagious, right? हैं? कुछ नहीं। Thank you. चलती हूँ, bye. Okay. जेठालाल। उधर क्या कर रहे हो? दुकान जा रहा हूँ भाई। भाई इधर से शॉर्टकट है ना, नया अभी बना है, सीधा मेरे दुकान में निकलता है। क्या बागा, कैसा मुंह खोल के क्या देख रहा है? जेठालाल तुम किसी भी सवाल का सीधा जवाब दे ही नहीं सकते ना। जिस दिन तुम मुझे सीधा सवाल पूछोगे उस दिन मैं तुम्हें सीधा जवाब दूंगा। ठीक है, तो सीधा सवाल ये है कि ये बाल्टी तुम्हारी है? जी हाँ, यह बाल्टी जेठालाल चंपकलाल गड़ा की है। ये बाल्टी यहां पर कैसे आई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से आज मुझे बापूजी का चप्पल पहन के आना पड़ा। अरे लेकिन, अरे उस दिन तुमने मेरा चप्पल फेंक दिया तो मुझे कहीं मिला नहीं, तो आज मुझे बापूजी का चप्पल पहन के आना पड़ा। हाँ तो बराबर है, तुमने वो चप्पल मेरे ऊपर फेंका इसलिए मैंने वो चप्पल बाहर फेंक दिया। हाँ तो मैंने उस दिन तुमको सॉरी बोला था ना। हाँ तो ठीक है, मैं भी सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। अरे तो फिट्टू सो गया ले। ओके चलो, थैंक यू। चलो लेकिन ये बाल्टी। अरे भाई कितनी पंचर। अरे दूध क्या है? अरे हाँ गैस पर चाय रखिए, विसर लो। थैंक यू। अरे तो भूलकणी या अरे लगता है अब्दुल आ गया, भजिया लेके आ गया, आ गया भजिया वाला आ गया। अरे जेठालाल ये क्या है? ये बाल्टी। ओ ये बाल्टी है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है बाल्टी लेके कैसे? अरे भाई एक बाल्टी गर्म पानी चाहिए, मिलेगा? जेठालाल वैसे एक बात कहूँ, मैंने लोगों को शक्कर मांगते देखा, पत्ती मांगते देखा, दूध मांगते तो खैर रोज देखते ही हैं, पहली बार किसी को गर्म पानी मांगते देख रहा हूँ। ये गोकुलधाम में ही हो सकता है। नहीं हुआ क्या? अरे भाई क्या बताओ, गीजर खराब हो गया और गैस का सिलेंडर भी आज ही खत्म हो गया, वरना गैस पर पानी गर्म करके ना लेता। क्या मुझे गर्म पानी के बिना वो नाने का नहीं जमता है। तो मैंने सोचा अभी क्या करो, फिर सोचा मेहता साहब को तपलीक देते हैं। अरे फिर तो यही ना लेते यार। नहीं नहीं वो थैंक यू, लेकिन क्या मेरा साबु शैम्पू बाथरूम सब फिक्स है। ओहो तो नाना का तो मजा उधर ही आता है। तो आज सिर्फ पानी चेंज होगा। लेके आ दो पानी, बैठो। तो क्या लिख रहे हैं मेहता साहब? विदेशी लोग सबसे ज्यादा पैसे इंडिया के शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, बराबर है। सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में बनती है, वो भी बराबर। कंप्यूटर के सबसे ज्यादा विशेष यज्ञ। अरे विशेष यज्ञ नहीं जेठालाल, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट, निष्णात। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर का सबसे ज्यादा विशेषज्ञ इंडिया में, बराबर है। पर इन सबसे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? हाँ
उसको तो सब्जी के भाव कम होंगे तो फर्क पड़ेगा। वाह वाह मेहता साहब, क्या बढ़िया लिखते हैं आप। ये आपका काम धंधा मुझे बहुत पसंद है। घर से बाहर किधर जाने का नहीं, घर में शांति से बैठने का, एक साफ सुथरा सफेद कागज लेने का और मन पसंद कोई भी पेन लेने का, लाल ब्लू हरा पीला है, और जो मन में विचार है फटाफट लिख डालने का, ये बेस्ट है। बहुत आसान लगता है ना जेठालाल, एक दिन करके देख लो पता चल जाएगा। भैया ये आर्टिकल लिखना है, एयर कंडीशन शोरूम में बैठ के टीवी बेचना नहीं है। आपको क्या लगता है एयर कंडीशन दुकान में बैठ के माल बेचना आसान है? तो अरे मुश्किल है, एक दिन बैठ के देखो पता चलेगा। तरह तरह की खोपड़ी आती है और तरह तरह के सवाल करते है, और वो सब सवाल के संतोषकारक जवाब दो तो भी गारंटी नहीं कि वो माल खरीदेगा। और माल खरीद के ले गया उसके बाद भी वो लोग कंप्लेन लेके आते है। अरे एक तो एक वो खोपड़ी आएगा टीवी लेके गया, दूसरे दिन कंप्लेन कर रहे है कि आपकी दुकान से टीवी लेके गया लेकिन वो टीवी में प्रोग्राम अच्छे नहीं आते। तो मैं क्या करूं भाई है? बोलो आपको है ऐसी कोई मगजमारी? नहीं, काहे की मगजमारी भाई, काहे की मगजमारी जेठालाल, कलम से शब्द अपने आप निकलते हैं, है ना, अपने आप चल जाती है, काहे की मगजमारी, विचार अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, काहे की मगजमारी है। आर्टिकल के लिए बस थोड़ा बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है, 50-100 किताबें, इसमें काहे की मगजमारी, फिर लिखने के पहले 2-4-5 बार फाड़ना पड़ता है, काहे की मगजमारी, और आर्टिकल लिखने के बाद एडिटर को दिखाना पड़ता है, फिर उसे पसंद आए तो छपता है, नहीं तो नहीं छपता, काहे की मगजमारी, और छप भी जाए तो पब्लिक को पसंद आए ना, काहे की मगजमारी जेठालाल, है नहीं ना, बहुत ईजी है। समझ गया भाई, सबको अपने अपने धंधे में अपने अपने हिसाब से मगजमारी तो होती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे भाई आदमी को दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आता है। हाँ चलो अभी घी छोड़ो, ओ मेरा गरम पानी तो दो। हाँ अरे यार भूल गया था, ला तो। हाँ अरे बाप रे, बापू जी का चप्पल टूट गया। ये क्या, ये चप्पल तो टूटी हुई है, ये क्या? मर गया। भगवान करे अब अब्दुल ही हो, अब्दुल ही है, ले आया। अरे वेरी गुड अब्दुल, जल्दी ला अब्दुल। वाह वाह अब्दुल, क्या खुशबू है मेरे दोस्त, खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। तूने बहुत बड़ा काम कर दिया अब्दुल, भगवान करे तेरी सोडा शॉप मॉल बन जाए, तू बहुत तरक्की करे, अरे तेरी शादी हो जाए यार। नहीं नहीं शादी अभी नहीं, चल तू मत करना शादी, मुझे भजिया खाने दे बस। अंजलि इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ योगा क्लासेस कैंसिल हो गए। हाउ अनप्रोफेशनल, कैसे एकदम से कैंसिल कर देते हैं ना क्लास। ये क्या है? क्या ये, क्या ये? भजिया, कांदा भजिया। हाँ कांदा भजिया। कौन लाया, कौन लाया? अब्दुल, अब्दुल लेके आया है। अब्दुल भाई मैंने आपको डाइट नाश्ता लाने के लिए कहा था, ये कांदा भजिया मेरे घर में क्यों लाए? वो क्या, वो क्या? मेहता साहब ने मंगाया। अब अब्दुल, अब्दुल, अब्दुल। मेहता साहब ये अब्दुल ऐसे क्यों भाग रहा है? कुछ नहीं, सही सामान की डिलीवरी गलत टाइम पे कर दी इसलिए डांट खा रहा था। क्या? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे, जाने दीजिए। हाँ मैं इसलिए आया था कि मेरा न्यूज़पेपर वाला आया नहीं, तो आप अपना न्यूज़पेपर देंगे मुझे पढ़ने के लिए? हाँ हाँ पेपर भी लीजिए। अरे
आपके कांदा भजिया भी आ गए। भजिए हाँ हाँ आइए आइए, कांदा भजिया डॉक्टर हाथी के लिए मंगाए थे ना, आइए लीजिए। भजिए हाँ, हाथ तो पकड़िए, बैलेंस बना लूं। जी जी लीजिए। जी जी अच्छा जी, तो आपको पहले से पता था कि डॉक्टर हाथी न्यूज़पेपर लेने आने वाले हैं। हाँ, और डॉक्टर हाथी आप डॉक्टर होते हुए ये भूल जाते हो कि कांदा भजिया में ऑयल होता है और ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अंजलि भाभी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करना है। पर हाथी भाई, अंजलि भाभी समंदर में अगर एक लोटा पानी डाल दे तो क्या समंदर छलछला उठेगा? नहीं ना। एक मिनट बैठा साहब। जी 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 मजा आ गया। हाँ। एकदम करारे है भजिए। करारे भजिए। अब बोलिए। दर्द देखे दुलारे गए हैं, जिंदगी देखे मारे गए हैं, जब किनारा था कुछ ही कदम पे कश्तियों से उतारे गए हैं। दया हो आई, ले ये बाथरूम में। अरे वो बाद में रखना, पहले ये बापूजी के चप्पल उनके कमरे में रख के। अब बापूजी की चप्पल पहन कर गए थे? हाँ भाई, तू रख के आना। अरे ये क्या, आपने चप्पल तोड़ दी? अरे तोड़ी नहीं है, टूट गई है, तो चुपचाप रख के आना जा। अरे बहू मेरी चप्पल। ए जेठिया मेरी चप्पल लेके क्यों घूम रहा है तू? ओ बाबूजी मैं आपको ही देने आ रहा था। हाँ चला। ये जेठिया तूने मेरी चप्पल तोड़ दी? तोड़ी नहीं बाबूजी, टूट गई। अरे लेकिन मेरी चप्पल तूने पहनी क्यों? तेरी चप्पल कहाँ है? वो नहीं, उस दिन इसने वो प्रतिज्ञा ली थी तो चप्पल उछाले तो तभी वो भीड़े ने मेरा चप्पल फेंक दिया ना। साहब जड़ भरता है। सॉरी सॉरी बापूजी, मैं आपके लिए नई चप्पल लेकर आऊंगा। आप बैठिए ना, खड़े क्यों? बैठिए बैठिए। अरे दया तू क्या खड़ी है? बापूजी के लिए गर्म गर्म मसाला चाय बना के ले क्या? हाँ पहले आप गैस का सिलेंडर तो लेकर आइए। हाँ बापूजी हमारे गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, तो मैंने टप्पू के पापा को कहा कि आप भीड़े भाई के घर से हमारा गैस का सिलेंडर लेकर आइए। और बापूजी मेरी भीड़े भाई से बात भी हो गई है, उन्होंने गैस का सिलेंडर निकाल के रखा है तो ये मना कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे ये भीड़े भी का सेक्रेटरी है बापूजी, सभी सोसाइटी में गैस की पाइपलाइन आ गई, हमारी सोसाइटी में कब आएगी गैस की पाइपलाइन? क्या फायदा उसका सेक्रेटरी होने का? अच्छा तो इसलिए तू भीड़े के घर पे सिलेंडर लेने नहीं जा रहा है? नहीं नहीं। ए भाई ए, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि सिलेंडर उठा के लाने में तुझे शर्म आ रही है? अरे चल तू क्या जाएगा आलसी कहीं का, मैं ही जाता हूँ। नहीं अरे बाबूजी आप किधर है? मैं जा रहा हूँ। अरे हट कहता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी मैं जा रहा हूँ। अरे बाबूजी 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 मेरी बात सुने। बाबूजी पापा अरे आप खड़े क्या हो जल्दी बाबूजी को। अरे तो जा ही रहा था, तू क्या मुझे तो रोक रही है? बाबूजी अरे मेरी बात सुनिए। अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं जा रहा हूँ ना, आप रुकिए। अरे आप घर पे जाइए बापूजी। अरे बापूजी छोड़ने अबे। अरे मैं जा रहा हूँ ना, आप क्यों जिद कर रहे हैं? बापूजी मैं जा रहा हूँ ना। अरे मेरी बात सुनिए बापूजी आप। अरे मैं जा रहा हूँ बापूजी, क्यों जिद कर रहे हैं? अरे टप्पू के पापा सुनिए। हाँ अरे आप खड़े क्या हो? बापूजी को रोको जल्दी जल्दी। अरे रोक ही रहा था, तूने मुझे बुला के इधर खड़ा कर दिया। नॉनसेंस। ओ झिड़पड़ा क्यों आया? कुछ नहीं भाई, अब मैं बताती हूँ क्या है। अरे तू अपना काम करना भाई, और दूध उबल रहा है, देख देख जा जा। अरे गैस ही नहीं है फिर दूध कैसे उबलेगा? पापूजी ओए पापा जी, लगता आज कोई नया हंगामा होने वाला है। ठीक है चाचा। हाँ। अरे चाचा जी आइए आइए बैठिए, ये चाय आंटे ना। हाँ आंटे। चाय भाई नहीं चाहिए, जल्दी से गैस का सिलेंडर दे। चाचा जी सिलेंडर आप लेके जाएंगे? हाँ क्यों,
लेकिन आप कैसे? ये आप कैसे वाली, मैं जब तेरी उम्र का था तो एक साथ दो दो सिलेंडर उठा के लेके जाता था। मातारा सॉलिड फेंकते है, इनके जमाने में सिलेंडर हुआ भी करता था। ए, क्या मन में क्या बोल रहे? अब मैं कुछ नहीं। आहो, भक्ता है का है? आप जाके पहुंचा के आओ ना। हाँ, अरे चाचा जी आप रहने दीजिए, मैं ही लेके आता हूँ। हाँ चलिए बाबू जी, भीड़ लेके आएगा, चलिए। ये बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? हमेशा अपने काम दूसरों पे थोपता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। अरे कुछ लोग होते ही परावलंबी, हमेशा अपने काम दूसरों पे ही थोपते रहते। एक मिनट भाई, मैंने कौन सा काम तुम्हारे ऊपर थोपा भाई? अभी एक हो तो बताऊं। हाँ एक तो बताओ। क्यों? वो अच्छा वो। हाँ फिर क्या? फिर कौन सा बोलो? नहीं बताओ तो सही, एक ये वही बोल रहा हूँ, एक तो बताओ। चाचा जी आप क्यों, तुम्हें याद नहीं आ रहा है? अरे है ही नहीं तो याद कैसे आएगा भाई? चाचा जी गए सिलेंडर लेके। अरे 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 बापूजी, बापूजी, चाचा जी आप ये क्या हो रहा है? आमतौर पे बुजुर्ग माँ बाप का बोझ बच्चे उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो चंपक चाचा ने गैस का सिलेंडर उठा लिया। लेकिन जेठालाल भी क्या करे, क्योंकि उसके लिए नए मंगलवार है, बुधवार है, मुसीबतों का वार है, और ये मुसीबत एक पे एक आती जा रही है। अब नई मुसीबत आने वाली है जब चंपक चाचा सोसाइटी कंपाउंड में ये गैस का सिलेंडर लेके उतरेंगे, तो असल में ये मुसीबत का सिलेंडर है। अब देखिए इस मुसीबत के सिलेंडर पे क्या क्या पकता है। आपके लिए तो हास्य के पकवान है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी बहुत जिद्दी है, देखो ना सुनते ही नहीं है। बापू जी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। अरे बापू जी मेरी बात सुनो, मुझे दीजिए बापू जी, क्या कर रहे हैं बापू जी? बापू जी टप्पू के पापा सुनिए। हाँ बोला। अरे आप खड़े क्या हो? बापू जी के कंधे पर सिलेंडर है, जल्दी ले लीजिए। अरे तो तुझे क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी बापू जी। अरे जेठा ब्रा क्या बापू जी कर रहे हो? अरे चाचा जी से वो सिलेंडर ले लो ना। अरे चाचा जी रुको, मैं एक मिनट आता हूँ। अरे सोड़ी, मैंने अभी वही कहा उनसे, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं आता हूँ चाचा जी। ओ पीड़े तो रुक। अरे तू सीढ़ियों से जाएगा तो टाइम लगेगा, मैं यहीं से जंप मार के जाता हूँ ना। अरे भाई किसी को आने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे नजदीक हूँ बापू जी के। बापू जी दीजिए ना। बापू जी मुझे दे दीजिए, पूरी सोसाइटी के सामने क्यों मेरी इज्जत का कचरा कर रहे, प्लीज मुझे दे दीजिए बापू जी। अच्छा तेरी इज्जत का कचरा हो रहा है इसलिए तुझे सिलेंडर उठाना है, मुझे मदद करने के लिए नहीं उठाना है। अरे चाचा जी। अरे मदद मदद करने के लिए उठाना है। अरे धीरे बोल नालायक। और लेकर आ ऊपर। हो गया, आ गया कब्जे में सिलेंडर। थैंक यू। दो हाथ वापरना पड़ेगा, मुझे लगा एक हाथ से आ जाएगा। कोशिश करो और बुरी हिम्मत करो। आराम से जेठा भाई। क्या आराम से? अरे जेठालाल जैसे चाचा जी ने उठाया था ना कंधे पे, वैसे ऐसे उठा लो। पता है भाई, पता है। अब पहली बार उठा रहा हूँ ना भाई, तो थोड़ा वो टाइम तो लगता है ना। एक मिनट, ये सब टेक्निक बहुत बड़ा, भी डायरेक्टर मत बनना तू भाई, मालूम है तुझे बहुत आता है सब। सॉरी जेठालाल से वो सिलेंडर नहीं उठेगा, तुमको ही नीचे आना पड़ेगा मदद करने को। हाँ छोड़ी आऊं जेठा ब्रा। अरे बबीता जी क्या है? इसको उठाने का एक अलग टेक्निक है। ओ मुझे मालूम है, उससे क्या एकदम आसानी से उठ जाएगा। मैं हूँ और सिलेंडर है, अभी किसी को कुछ करना की। आप निकलो 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 निकलो। हाँ मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है। अरे, 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 अरे
का पड़ा पार। निकलो निकलो आप लोग निकलो, मैं पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे। थैंक यू। हाँ भेजे ठपरा। मुसीबत है। अरे दया। हाँ। ये ले। हाँ। ये तेरा गैस का सिलेंडर आ गया। सबसे पहला फटाफट मसाला चाय पिला, फिर मैं नहाने जाता हूँ। आप नहीं नहा सकते। क्यों? आप जो गर्म पानी लेकर आए थे वो अब गर्म नहीं रहा, ठंडा हो चुका है। तो आप मेहता साहब के घर पर जाइए और फिर से गर्म पानी की बाल्टी लेकर आइए। अरे पर डोबी, अभी तो ये गैस का सिलेंडर आ गया है ना। अरे हाँ, मैं भी ना, मैं अभी आपको गर्म पानी कर देती हूँ। ए भाई, ए तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, दुकान कब जाएगा? बस बापूजी, हो दया गैस पे पानी गरम कर रही है, पानी गरम होता ही ना धो के 5-10 मिनट में तैयार। गैस पानी गरम क्या बोल रहे? ओ गीजर बिगड़ गया बापूजी। तो एक दिन ठंडे पानी से नहीं नहा सकते? नहीं बापूजी, ठंडा पानी नहीं जमता है मुझे। ए नहीं जमता है वाली नखराली, क्या जल्दी से नहा ले, मुझे देर हो रही है। है क्या, दुकान जाते जाते मैं भी साथ आऊंगा, मुझे रास्ते में से नई चप्पल दिलवा दे, तेरा सर में सब लोग मेरी राह देख रहे होंगे। चल चल खड़ा क्या है नाले। लेकिन बाबूजी ठंडा पानी से। चल चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं इधर ही बैठ के राह देखता हूँ। चल जल्दी कर, जल्दी नाले। गर्म पानी के लिए सुबह से कितनी मुसीबतें उठाई, आखिर में ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा पड़ेगा। जा रहा हूं। अरे अरे दया। हाँ बोलिए। ये क्या है? अरे ये तो चूहा कुतर गया है। चूहा? हाँ, अरे घर में एक दो दिन से चूहा घूम रहा है, बहुत पकड़ने की कोशिश की पर हाथ में ही नहीं आ रहा है। एक नंबर का चैंपियन है। भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले भीड़े ने मेरा चप्पल फेंक दिया, फिर बापूजी का चप्पल मुझसे टूट गया, अब ये मेरा जूता। ये अचानक मेरा नसीब में जूता चप्पल की पनौती कहाँ से आ गई? एक बात कहूँ,
मेरी माँ कहती है कि पुराना जूता या चप्पल टूट जाए या खो जाए वो तो सगुन होता है। मतलब पनौती चली जाती है। ये जूते चप्पल की तो पनौती चलो चली जाती होगी, लेकिन एक पनौती ऐसी है जिसके साथ मेरा जीवन भर का रिश्ता है। कौन सी पनौती? कहीं आप? अरे भाई छोड़ ना पनौती पुराण, अब ये बता मैं दुकान क्या पहन के जाऊं? आप कहो तो सुंदर से कहूं, अहमदाबाद से बहुत अच्छे जूते मिल जाएंगे। अरे रहने दे भाई, वो जूते मुझे बहुत महंगे पड़ेंगे। क्यों? वो प्लेन से आएगा जाएगा तो 200 के जूते मुझे 12,000 के पड़ेंगे। नहीं नहीं, 200 के जूते 220 में ही पड़ेंगे। कैसे? मैं सुंदर को कहूंगी कि कुरियर से जूते भेज दे। चलना भाई कितनी देर? हाँ बाबू अभी देखे मेरा जूता। हाँ वो सब सुना मैंने। एक काम करते हैं, हम दोनों नंगे पैर ही चलते हैं। वो जूते चप्पल की दुकान में ही जा रहे हैं ना, तो तू भी अपने लिए नए जूते खरीद लेना वहाँ से। नहीं बाबूजी, मैं नंगा पांव नहीं चल सकता। क्यों वेवली? इसमें वेवली क्या बाबूजी? मतलब मैं वो गैस का सिलेंडर ला रहा था ना, तो एक वो कंकर मेरे पैर में चुभ गया, तो दुख रहा है बाबूजी, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नंगा पांव नहीं चल सकता। तो अभी पूरा दिन घर पे ही रहेगा, दुकान नहीं जाएगा? नहीं नहीं, दुकान तो जाना पड़ेगा बाबूजी, एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही उधर मिलने के लिए। एक मिनट रुकिए। ये पहन कर जाइए। लेडीज चप्पल? हाँ। मैं लेडीज चप्पल पहन कर जाऊं? हाँ, देखिए आपको कहा पूरा दिन लेडीज चप्पल पहनकर घूमना है। देखो सोसाइटी से दौड़कर आप रिक्शा में बैठ जाना और रिक्शा सीधी जूते की दुकान के पास खड़ी रखना और फिर दौड़कर दुकान में घुस जाना। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप लेडीज चप्पल पहनकर घूम रहे थे। दया, देखिए आपके पैर में कंकर लग गया है ना, ये गद्दी वाले चप्पल है, ये पहनने से आपको आराम रहेगा। हाथ लाइए, ये देखिए सोफा जैसा लग रहा है ना। आप एक बार ये चप्पल पहनोगे फिर रोज कहोगे दया नहीं मुझे यही चप्पल पहनना है। दया, अरे बहू सही कह रही है भाई, चलना अभी देर हो रही है। हाँ बराबर कह रहे हैं बापूजी, चलिए जल्दी। अरे दया, चल चलो बे, चलना भाई खड़ा किया है। चल, अरे मेरी छड़ी, तू एक काम कर, तू नीचे उतर, मैं छड़ी लेके आता हूँ। अब सुनिए टप्पू के पापा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और अकेले रुकिए, मैं अभी आती हूँ नीचे।
अरे चप्पल में चिंगम चिपक गई है। ओहो, तो उसमें इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंता कौन कर रहा है? गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या हुआ? मैं बताती हूँ बबीता जी। क्या हुआ? ये भीड़े भाई ने टप्पू के पापा का चप्पल ऐसे फेंक दिया था ना, फिर मिला ही नहीं। फिर आज सुबह दुकान जाने के लिए टप्पू के पापा ने जूते निकाले, तब पता चला कि एक जूता तो चूहे ने काट खाया है। फिर मैंने उनको कहा कि आप मेरे चप्पल पहन लीजिए। फिर मेरे चप्पल पहन कर टप्पू के पापा वहां तक पहुंचे ना, तब पता चला कि मेरे चप्पल पर चुंगम चिपक गई है। तो मैंने कहा कि अब चिंता मत कीजिए, मेरे पास दूसरा चप्पल है। क्या हुआ? गैस की टंकी में नंगे पांव सुबह नहीं लगा जा रहा था तो एक कंकर चुभ गया पैर में, तो क्या दुकान तक कुछ तो पहन के जाना था, तो और कुछ था नहीं घर में, तो मैंने बोला चलो ऐसे लेडीज चप्पल पहन के फटाफट रिक्शा में बैठ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या वैसे तो पहनते नहीं ऐसे जेंट्स लोग लेडीज चप्पल, तो लेकिन इट्स ओके जेठा जी, आजकल वैसे भी लेडीज और जेंट्स में ज्यादा कोई फर्क ही नहीं रहा। हाँ? हाँ? देखो जैसे लेडीज लोग जेंट्स के टी-शर्ट्स पहनते और लड़के लोग लड़कों के हेयर बैंड लगाते, यू नो सो। अरे हाँ, वैसे भी देखो ना कितने लड़के लोग बॉयकॉट बाल रखते हैं, और कोई का लड़के लोग चोटला लेना पड़े, इतने लंबे बाल लेते हैं। एग्जैक्टली, सो यू सी बहुत कॉमन है ये सब चीजें। थैंक यू बबीता जी, आपने ये जो बात की उससे मेरा मन में जो संकोच था वो सॉरी हेलो निकल गया है? संकोच चलो जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। Excuse me, क्या आप बता सकते हैं बबीता कहाँ रहती है? यह बबीता जी का बबीता बोलने वाला कौन है? क्यों, क्या काम है? पर्सनल काम है। ओ, आओ मैं आपको उनके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या रास्ता बहुत अटपटा है ना, मुझे आना ही पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। ना ना थैंक यू क्या होता, चलो इधर इधर। अच्छा बबीता जी, क्या भाई साहब आपके घर का पता ढूंढ रहे थे, बोला चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। थैंक यू बबीता, मुझे पहचाना? ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर यू, यू आर देबू राइट? दैट्स राइट। लुक हाउ कैन आई फॉरगेट यू, यू माय क्लासमेट राइट? हाउ आर यू बाय द वे? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? लॉन्ग टाइम हाँ बबीता। आई नो, प्लीज कम इन। कहाँ चला गया जेठिया? ए जेठिया! आप बाप रे बापू जी, बबीता जी मैं निकलता हूँ, फिर okay. मिलता हूँ। थैंक यू, मिलवा दिया ना भाई? थैंक यू, चलो ओके बाय बाय, कम इन प्लीज। या श्योर। हाँ बापू जी चलो। या बाबू चक कहाँ चला गया था? ओए भाई साहब बबीता जी के घर का पता पूछ रहे थे, तो मैं उनको बबीता जी के घर तक छोड़ने गया था। अरे लेकिन घर तक छोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? पड़ोसी धर्म बाबू जी। अरे हाँ चल चलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे? ओ चप्पल में चिंगम चिपक गई बाबू जी। अरे तो चिंगम खाता क्यों है? तो मैं नहीं खाता हूँ तो? अरे आजकल के नौजवान बच्चे लोग ऐसा खा खा के इधर उधर थूकते हैं, फिर ऐसा चप्पल में चिपक जाती है, बोलो। मैं तो कहता हूँ ये चिंगम मलाना ही बंद करवा देना चाहिए। तो? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बराबर है। और दूसरा क्या है बाबूजी?
चल चल अभी चल। अरे चल चल जल्दी चल। भाई कमाल है, ये तो देखने में ही कमाल है। जेठालाल लेडीज चप्पल में, सोचिए तो आपको कभी लेडीज चप्पल पहन के घर के बाहर निकलना पड़े तो आपके हाल क्या होंगे, सोचने में ही गड़बड़ लगती है ना। लेकिन यहाँ सोचना क्या, या तो हकीकत है, लेडीज चप्पल पहन के जेठालाल बिल्कुल बाहर है। कई बार हवा के झोंके से पेड़ों के पत्ते कैसे हिलने लगते हैं, वैसे मुसीबतों के झोंकों से जेठालाल हमेशा हिलते रहते हैं। खैर ये तो पहले ओवर की बल्लेबाजी देखी आपने, जब पहले ओवर में चौकों छक्कों के ठहाके हैं तो आगे का हाल सुनाने के लिए मैं बैठा हूं ना। अब आगे का हाल बड़ा रोचक है। आप देखिए कि मौसम बिल्कुल साफ है और पेवलियन से ग्राउंड की ओर धुआंधार बल्लेबाज चंपक लाल निकल चुके हैं, साथ में चिंगम चपकी भी चप्पल पहने हुए जेठालाल। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखना क्या, आप अगले एपिसोड में खुद ही जान जाएंगे कि होगा क्या। बहुत सारी हंसी आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पर देवो इतने सालों बाद यहाँ एक सिल्वर क्लब खुला है। अरे हाँ, उसका ब्रोशर घर पे भी आया था। अरे मैं उसी क्लब में जॉब करता हूँ और इसी सिलसिले में तुमसे मिलने आया हूँ। आहा, तो तुम अपनी क्लब के ओपनिंग में मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो, राइट? एक्चुअली इट इज अ गुड आइडिया। अगर तुम एज अ चीफ गेस्ट आती तो अच्छा होता। अरे यार, आई एम जस्ट जोकिंग। बट आई एम सीरियस, अगर तुम आती तो लोगों को ऐसा लगता कि वाकई में कोई बहुत बड़ी मॉडल आई है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। हाँ मिस्टर देबू, वैसे कैसे आना हुआ? एक्चुअली हमारे क्लब में स्विमिंग मेंबर्स के लिए कोच की जरूरत है। लेकिन मिस्टर देबू, मेरे को तो इतना अच्छा स्विमिंग आता नहीं है। अरे नहीं नहीं मिस्टर अय्यर, मैं लेडीज मेंबर के लिए कोच की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी बबीता, तुम इंटर कॉलेज में स्विमिंग चैंपियन रह चुकी हो, 3-3 बार गोल्ड मेडल जीता है तुमने, तो तुम एज अ स्विमिंग कोच हमारा क्लब ज्वाइन करोगी? इल्ले इल्ले, इट इज नॉट पॉसिबल। बबीता को जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट अगर मैं क्लब ज्वाइन करती तो मुझे एक अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो मैं पक्का समझूं बबीता? एक काम करती हूँ, मैं खुद तुम्हारे क्लब में आती हूँ और फिर आके डिसाइड करती हूँ कि मुझे ऐसा कोच वहाँ पे ज्वाइन करना है या नहीं। ठीक है? ओके देन। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। बापूजी के लिए बढ़िया चप्पल दिखाइए। हाँ, कौन सी टाइप की चप्पल लेंगे? देखिए चप्पल के वहाँ पे सब पैटर्न है वहाँ। हाँ वो दूसरी लाइन में वो काले रंग की है ना। समझ गया, एक 32 लोग अंगूठा पट्टी है। बहुत बढ़िया डिजाइन, एकदम कंफर्टेबल है बापूजी के लिए। हाँ ये अच्छी है, कितने की है भाई? अरे आपको पसंद है ना बापूजी, भाव क्या पूछ रहे भाई, ये दे दो। हाँ? हाँ। और बाबू एक ही लेनी है? नहीं दूसरी भी लूंगा ना। ए भाई दूसरी का? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब एक ही जोड़ी लेनी है। और कितनी जोड़ी लेनी है? एक और जोड़ी ले लो। क्या नहीं, वापस अगर मुझसे आपकी चप्पल टूटी तो प्रॉब्लम नहीं ना? तूने ये दुकान तो देख ली है ना? हाँ। ये चप्पल भी देख ली ना? हाँ। तो आइंदा अगर तुझसे मेरी चप्पल टूटे तो सीधा यहाँ चले आना, ऐसी दूसरी नई चप्पल खरीद के चुपचाप मेरे कमरे में रख देना। मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए कि तूने मेरी चप्पल तोड़ी है, समझा? समझ गया बापू जी। आप कुछ नहीं लेंगे? हाँ भाई चाहिए ना, कुछ दिखाओ मुझे भी। रिबॉन 28411। एक मिनट भाई साहब, ये आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? रबाउन लोका ये सब क्या? रिबॉन यानी ब्राउन, लोका यानी काला, ये हमारी टबू की भाषा है। टप्पू की भाषा? टप्पू नहीं, टबू टबू, बूट टबू, हमारे में सब उल्टा बोलते हैं। अच्छा सब इनके ये बूट के धंधे में सब उल्टा बोलते हैं। क्यों ऐसा उल्टा क्यों बोलते हैं? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पिताजी ऐसे ही बोलते थे। अच्छा पिताजी बोलते थे, हाँ तो ठीक है। अच्छा अच्छा
दे भाई। देखे सर। अरे भाई ये तो लेडीज है, आपने भी तो लेडीज चप्पल पहनी है। अरे भाई मैंने तो मजबूरी में पहना है, और ये चप्पल है ना तो मुझे बूट बूट देखा जूता बिगर लेस का। अच्छा एक मिनट मैं देखा भी इधर अभी थोड़ा मुझे देखो, ओ, नीचे से दूसरा लाइन है ना उसमें वो ओ, तीसरा जो जूता पड़ा है वो समझ गया। हाँ वो दो लोका 28301। देखिए सर आलो। एक मिनट भाई ये तो पैर ही अंदर नहीं जा रहा, बहुत छोटा है। एक साइज बढ़ाने ना भाई। हाँ देखिए सर एक एक हाँ बराबर है सर। नहीं ये तो बहुत बड़ा है, देखो ये पूरा उंगली जाता है पीछे। अच्छा दिखाइए तो। अरे ये तो 9 नंबर है। अरे भाई 8 नंबर दे, आपको 8 नंबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या, मेरा 8 नंबर ही है भाई, मैं 8 नंबर का जूता ही पहनता हूँ। हेलो बोलो नटू काका। सेठ जी कहाँ तक पहुँचे, आप अभी तक आए नहीं? अरे भाई बस रास्ते में पहुँच रहा हूँ। हाँ हाँ अरे भाई हाँ जरा कितना हुआ? 1800 और 400 2200। जरा फटाफट बिल बनाओ ना और दे दो मेरे को, लेट हो रहा है जरा। हाँ अरे भाई बिल बनाओ। चलो 2200 ले लो भाई। सॉरी सर 8 नंबर स्टॉक में नहीं है, आप अपना पता दे दीजिए मैं भिजवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं ओ रहने दो, काम करो बाबूजी का चप्पल का ले लो आप 400 रुपया, 1800 रिफंड दे दो, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। बिल बन गया अब रिफंड नहीं मिल सकता। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आपने मुझे जूता भिजवाया होता और वो खराब निकला होता तो रिफंड देना ही पड़ता ना। तो बदली कर देता ना। आप एक काम कीजिए, आपका एड्रेस दीजिए, मैं हमारी दूसरी दुकान से मंगवा कर 1 घंटे में आपके यहाँ पहुँचा देता हूँ। अरे देखा दे देना भाई दुकान का पता, वो बोल रहा है ना तो 1 घंटे में भेज देगा। तब तक बाबूजी मुझे वापस लेडी चप्पल में घूमना पड़ेगा। अबे कहा बेगा घसर को हालने में क्या मुसीब बात है भाई। चलो भाई ये एड्रेस में भेज देना। गटा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे ये तो नट्टू काका की दुकान है ना? ये मेरी दुकान है, नट्टू काका मेरे इधर काम करते हैं। मैंने आपकी दुकान देखी है, पहुंचा देता हूँ मैं। या चाहे भाई लोका 32701। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बोलिए साहब, क्या खरीदना चाहेंगे आप? मोबाइल, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज? अरे हम व्यापारी मंडल के मेंबर हैं, अपने इलाके के नगर सेवक के लिए हमने सम्मान समारोह योजा है, इसके लिए हम चंदा लिखवाने आए। लाओ बोलो कितना लिखो आपका? 3000 4000 5000। लेकिन सेठ जी अभी तक आए नहीं है। तो एक काम कीजिए ना, आप अपने सेठ को फोन कर पूछ लीजिए। हाँ हाँ ये आइडिया अच्छा है। चल मैं जा रहा हूँ देना सर। हाँ हाँ आ रहा हूँ नटू काका, आ रहा हूँ भाई। सेठ जी व्यापारी मंडल के लोग आए हैं, वो अपने एरिया के नगर सेवक जी का सम्मान करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अपनी दुकान की तरफ से कितना चंदा लिखवाऊं? 3000 4000 5000। 1 रुपया मत देना, हमारे एरिया में कुछ काम तो करते नहीं और चंदा काय का चाहिए? लेकिन ना बोला ना नटू काका, ना मतलब ना। रिक्शा। अरे भाई चलो चलो चलो। सॉरी सेठ जी ने मना कर दिया। देखिए अपने एरिया में से हर व्यापारियों ने चंदा लिखवा है, देखो ये हिरजी भाई, वीरजी भाई, महेश भाई। हाँ मैं एक काम करता हूँ, ये रसीद बुक यहाँ रख के जाता हूँ, आप अपने सेठ जी को दिखाइए, मैं 1 घंटे के बाद वापिस आता हूँ। जी बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते बोलिए क्या खरीदेंगे? वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, कलर टीवी? जी मैं जॉनी,
मल्होत्रा साहब का मैनेजर। जोनी साहब आइए 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 बैठिए। कहिए क्या पिएंगे आप, चाय या ठंडा? ठंडा। अच्छा हाँ देखो भाई गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ठंडा जल्दी भेजिए। क्या भाई क्या 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 देख के हंसी आ रही है? ये लेडीज चप्पल मैंने पहना वो देख के हंसी आ रही है? अरे मैं लेडीज ड्रेस भी पहनू तुमको उससे क्या? अरे अभी भी हंसा। निकलो निकलो इधर से निकलो चलो। जी मेरी बात सुनिए। तुम निकलो इधर से, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, तुम निकलो चलो चलो। सेठ जी लेकिन। अरे क्या सेठ जी सुनिए। अरे क्या सुनिए जाने दो उसको। अरे सेठ जी आपने क्या अनर्थ कर दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। नुकसान नहीं नटू काका, फायदा। कम से कम 3-4 हजार रूपए चंदा देना पड़ता है इसको। अरे सेठ जी वो चंदा मांगने वाला नहीं था, वो तो मल्होत्रा सेठ का मैनेजर था, LCDV का ऑर्डर लिखवाने आया था। अरे रोको रोको उसको रोको। अभी क्या आप पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत, वो तो रिक्शा पकड़ के चला भी गया। नटो काका आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो चंदा मांगने वाला नहीं है? अरे लेकिन आपको ऐसा लगा क्यों कि वो चंदा मांगने वाला था? अरे वो रसीद बुक काउंटर पर पड़ी हो देख के। अरे वो रसीद बुक तो व्यापारी मंडल वाले छोड़ गए हैं आपको दिखाने के लिए कि किन किन व्यापारियों ने कितना चंदा लिखवाया। ठंडा नहीं जा भाई लेकर जा वापस। क्या साहब आपके यहाँ तो ऑर्डर देने से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अरे चल ना भाई ज्यादा सुना मत ना। ठीक है चल चल लेके जा। ठीक है पैसा। अरे वापस करे फिर पैसा काहे का चाहिए। लेकिन सब बोतल का ढक्कन तो खोल के लाए ना। तो किसको पूछ के खोला ढक्कन? सेठ जी बंद बोतल कैसे पी सकता है, ढक्कन तो खोलना पड़ेगा ना। तो दे दो उसको पैसा अभी। ठीक है। अरे भाई तेरे कितने पैसे हुए? भगवान क्या दिन की शुरुआत हुई, आज कौन से मुहूर्त में मैं उठाऊं, एक काम सही नहीं हो रहा है। मर्करी डाइक्लोराइड प्लस सिलिकॉन डाइक्लोराइड। मैं जरा सिल्वर क्लिप जा रही हूँ, तो मेरे लिए काम करोगे प्लीज? हाँ बोलो। सुनीता जब आएगी तो उससे आधा किलो टमाटर ले लेना प्लीज। बबीता मैं टमाटर लेने जाऊंगा? अरे तो क्या हुआ, वैसे भी सुनीता 2-3 दिन में एक ही बार आती है। और देखो मैं तुम्हारी फेवरेट डिश टमाटर उत्तपा के लिए टमाटर मंगा रही हूँ। बबीता वो सब ठीक है लेकिन मैं सोसाइटी में टमाटर लेने जाऊंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे मजाक क्यों उड़ाएंगे, जिनकी पत्नियां बाहर काम के लिए जाती है उन पतियों को तो थोड़ा बहुत मदद करना ही पड़ता है ना। और हमारे भीड़ी भाई को ही देख लो, वो माधवी भाभी की कितनी मदद करते हैं। ओके बबीता मैं टमाटर ले आऊंगा। थैंक यू बाय बाय। बोलो साइंटिस्ट टमाटर लेने जाएगा। ए मुलानो जरा सांभळून खेळा की। बच्चेरो ध्यान से खेलना चाहिए ना। अरे पापा क्या ध्यान से खेलो। अरे बच्चों जरा ध्यान से खेलो, किसी को लग जाता तो। एक काम करो हमारा सब्जी खरीद कर हो जाए ना, फिर खेलना शांति से। बराबर है। अनीता सब्जी ताजी है ना? नहीं बासी है। हाँ? क्या ये सब्जियाँ बासी है? हाँ अंजलि भाभी सब्जियाँ कल की है। तू हमें कल की सब्जियाँ देती है? रोज ऐसी ही सब्जी आती है। मतलब तू रोज हमें उल्लू बनाती है? नहीं नहीं दया भाभी सब्जियाँ क्या मैं डायरेक्ट खेत से नहीं लेके आती, आते आते एक दिन लग जाता है, बाहर गाँव से आती है ना सब्जियाँ।
तो सब्जियां बासी हुई कि नहीं? तुमने तो हम सबको डरा दिया। मैं तो मजाक कर रही थी। आधा किलो टमाटर देना। अय्यर भाई, टमाटर आधा किलो तो नहीं है, पाव किलो है, चलेगा? तो फिर पाव किलो ही दे दो। हाँ। देखो कुछ खाने के लिए ही भागा होगा। क्या अंकल, आप इधर कैसे? ये लीजिए अय्यर भाई। कितना हुआ? 15 रुपया। क्या 15 रुपए? अरे अनिता, ये अय्यर भाई को देख के भाव बढ़ा दिए। तुम्हें क्या लगता है, अय्यर भाई रोज नहीं आते तो तुम क्या उनको उल्लू बनाओगे? अरे नहीं नहीं दया भाभी, अभी देखो ठंड के सीजन में बारिश गिर गया, इसलिए सब सब्जियां महंगी हो गई है। ओ, अच्छा अच्छा, अय्यर भाई बबीता जी की जगह आज आप कैसे आ गए सब्जी लेने के लिए? हाँ दया भाभी, बबीता को अर्जेंट काम से बाहर जाना था, इसलिए मेरे को आना पड़ा। अच्छा, हाउ स्वीट। याला ले लो पैसे। अरे मेरा टमाटर किधर गया? गोली एकदम पापा पे गए हो तुम। सही बात है। अरे हाँ माधवी भाभी, सही ही बात है। गोली यार, तुमने क्या किया? अब मैं बबीता को क्या बोलूंगा? अंकल तो बोल देना कि टमाटर नहीं मिले। वाओ, फैंटास्टिक फूल यार। थैंक्स बबीता, यहाँ तुम्हें सिर्फ लेडीज मेंबर्स को ही कोचिंग देनी है। हाँ, पर यहाँ जेंट्स भी स्विमिंग के लिए आते होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, जेंट्स स्विमिंग के लिए आते हैं पर 1 से 3 बजे के बीच में नहीं, उस वक्त सिर्फ स्टाफ ही अलाउड है। ओके, गुड देन। बबीता वो देखो, वो यहाँ की लेडी गार्ड है ज्वाला। Trust me on that, इनके होते हुए यहाँ कोई जेंट्स मेंबर नहीं आ सकता। Is it? Yeah. Okay. Hello? बबीता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ हाय जेठा जी, बताइए। सॉरी वो मैं सुबह बापू जी ने बुला लिया तो घाई घाई में निकल गया। No, no, it's okay. अच्छा वो जो भाई साहब पता ढूंढ रहे, जिसको मैं लेके आया था आपके घर पे, वो कौन आपका कजिन भाई था? कौन, दीपू? नहीं नहीं, वो तो मेरा कॉलेज का दोस्त है। हाँ मुझे लगा ये, क्योंकि क्या आप दोनों का फेस ऐसा बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था ना। उसका फेस का थोड़ा त्रिकोण था और आपका तो एकदम परफेक्ट फेस है। भगवान ना फुर्सत में बने आपको एकदम है। जेठा जी, मैं आपसे जरा बाद में बात करूं, थोड़ी बिजी हूँ। अरे सॉरी सॉरी, आप बिजी है, कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर रहे हैं बबीता जी। हाँ ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके थैंक यू। कॉलेज का दोस्त, इतने सालों बाद अचानक कैसे याद आ गई कॉलेज के दोस्त को? मल्होत्रा सर सॉरी भाई, बहुत बड़ी सॉरी मल्होत्रा भाई। अरे नहीं नहीं, वो मिस्टेक क्या हो गया, मैंने उसको गलती से वो चंदा मांगने वाला बहुत परेशान कर, वो मिस्टेक हो गई। सॉरी, उसको भेजो भेजो, मैं इधर ही हूँ। और मेरी तरफ से खास उसको सॉरी बोलना, इधर आएगा तब तो बोलूंगा ही, लेकिन आप भी बोलना प्लीज। हाँ सॉरी, ओके ओके, चलो हर्ष। क्या टेल मी बबीता, यहाँ पे कोचिंग देना पसंद करोगी? देबू, यस मैं कोचिंग दूंगी। दैट्स ग्रेट। अच्छा बबीता, ये क्लब नया है, अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में किसी को मेंबर बनना हो तो मुझे बताना, मैं उसे क्लब की तरफ से 50% डिस्काउंट दिलवाऊंगा। इज इट? प्रॉमिस। ओके ग्रेट देन, जस्ट अ सेकंड। या श्योर।
ओहो हेलो अंजलि भाभी इज बबीता हियर। अरे बबीता जी कैसे हो आप? एक बहुत एक्साइटिंग बात है, तुम्हें आप सबसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ। अच्छा क्यों कोई खास बात? अंजलि भाभी आप सबको घर पे बुला लीजिए, मैं वहीं पे आके बताती हूँ। ठीक है तो एक काम कीजिए, एक घंटे में आप मेरे घर आ जाइए, तब तक मैं सबको यहाँ बुला के रखती हूँ। ओके थैंक यू बाय बाय डन। या लीजिए बबीता जी बन गई है स्विमिंग कोच और उन्होंने प्लान किया है गोकुल धाम की महिलाओं को स्विमिंग सिखाना। अब सोचिए तो गोकुल धाम की महिलाएं जो आज भी थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं, उन्हें स्विमिंग सिखाने के लिए तैयार करना मतलब बिना हवा के पतंग उड़ाना, और उनके पतियों को तैयार करना मतलब फटी पतंग को उड़ाना। खैर इन सब चीजों को मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ हवा का रुख कभी भी बदल सकता है, न जाने कौन सी हवा कब तूफानी हो जाए, न मैं जानता हूँ ना आप। लेकिन एक बात तय है कि ये जो स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।